नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अच्छा रिक्रूटर कैसे बने। हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम से रेगुलरली मुझे लोग डीएम कर रहे थे कि मैम स्टोरी टेलिंग के ऊपर वीडियोस बनाओ। सो आज का वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अच्छे तरीके से कैसे स्टोरी को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लगातार मिलते रहे। दोस्तों, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो बाकी बिजनेस से काफ़ी डिफरेंट है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, रियल इस्टेट में लोग अपनी स्टोरी नहीं शेयर कर सकते अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजेक्शनल बिजनेस होता है। लेकिन हम जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्जेशन करना है, हमारे जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करना है। अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्जेशन को करना है। और कॉन्वर्जेशन के टाइम पर हमेशा एक मैजिक होता है कि आपको एक ऐसा टाइम मिल ही जाता है जहाँ पर आप अपनी बात को बोल सकते हो, अपने बारे में शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अपने बारे में जब आप शेयर करते हो तो स्टोरीज़ को शेयर करने के, स्टोरी को बताने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग टाइप से, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोरी बनाकर शेयर करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी स्टोरी बताते टाइम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में 4 एलिमेंट शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी को सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो, ताकि वो आपकी बात को सुने भी, आपकी बात को समझे भी, और ये भी आपको बोले कि उसको इस बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आगे क्या करना है, कैसे करना है आगे से वो आपको बोलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको 4 एलिमेंट बताती हूँ। नंबर 1 एलिमेंट इज़ योर बैकग्राउंड। हर इंसान का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले। हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप लॉयर हो, हर इंसान का कुछ ना कुछ प्रोफेशन होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले, कुछ ना कुछ प्रोफेशन होता है। तो आपको हमेशा अपने बैकग्राउंड के बारे में शेयर करना है। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आपके अपने जो अपलाइन होते हैं उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं, उनके बारे में शेयर करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज को पिच करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, आपको आपका जो बैकग्राउंड है वो ही शेयर करना है ताकि सामने वाला इंसान आपकी स्टोरी को सुने और रिलेट भी कर सके। थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, सामने वाले इंसान के स्टोरी के हिसाब से आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। नंबर 2 एलिमेंट इज व्हाट यू डिडंट लाइक अबाउट इट। हर इंसान के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ, अगर प्रोज है तो कौन सी है, कुछ ना कुछ पेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है। हो सकता है कि आपका पेन पॉइंट हो, अगर आप टीचर हो सकता है कि आपका कुछ पेन पॉइंट ऐसा हो कि आपको सैलरी कम मिलती है, हो सकता है आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आपको आपका जो ऑफिस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होता हो सकता है आपको कुछ पेन पॉइंट ना हो, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आप साइड सोर्स ऑफ इनकम सर्च कर रहे हो सकता है आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ साथ में अपनी पॉकेट मनी के लिए आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए। तो जो भी आपका पेन पॉइंट है, जो भी आपको प्रोफेशन में आपका पेन पॉइंट रहा है, वही आपको यहाँ शेयर करना है। नंबर 3 एलिमेंट इज़ यू फाउंड अ सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ शेयर करना है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप एंटर हुए, क्या आपने देखा, जो भी प्रॉब्लम थी उसका किस तरीके से आपने सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में देखा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, उसके बारे में अब आपको यहाँ शेयर करना है। नंबर 4 एलिमेंट इज़ हाउ यू फील अबाउट द फ्यूचर नाउ। अब आपका फ्यूचर क्या देखते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद में, अब आपका फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हो, आप में अब क्या चेंजेस आए, अब यहाँ पर आपको ये शेयर करना है। तो दोस्तों, ये थे 4 एलिमेंट जिनका यूज़ करके आप इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। अगर अभी तक आपने 4 एलिमेंट को नहीं लिखा है तो अभी नोट डाउन कर लो। नंबर 1 एलिमेंट इज़ योर बैकग्राउंड, नंबर 2 एलिमेंट इज़ व्हाट यू डिडंट लाइक अबाउट इट, नंबर 3 एलिमेंट इज़ यू फाउंड अ सॉल्यूशन, नंबर 4 पॉइंट इज़ हाउ डू यू फील अबाउट द फ्यूचर नाउ। तो दोस्तों, काफ़ी लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको फैंसी स्टफ़ का रिक्वायरमेंट है, फैंसी कोड का रिक्वायरमेंट है, फैंसी टूल्स का रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल टूल है स्टोरी टेलिंग। जब आप किसी भी ह्यूमन बींग के साथ में अपनी स्टोरी को शेयर करते हो तो सुनना पसंद करता है,
वो सुनेगा भी आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में पूछेगा भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।